खरगोन थाने पर एक लड़की ने देवनालिया सरपंच के खिलाफ यौन शोषण को सघन धाराओं के खिलाफ पंजीबद्ध कराया था। इसी क्रम में सोमवार को सरपंच भोलेलाल ने थाने जाकर गिरफ्तारी दी। आपको बता दें कि युवती ने आरोप लगाया कि सरपंच ने लोन के बहाने उससे दुष्कर्म किया था। इस दौरान भोलेलाल ग्रामीणों के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचा। सूचना मिलते ही थाने पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान भोलेलाल ने बताया कि मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेडिकल परीक्षण के दुष्कर्म मामले के आरोपी को जेल भेजे जाएगा। सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है मेरा कि मैं आरोपी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, क्योंकि मेरे साजिश में एक रचा गया है कि मेरे खिलाफ इन लोगों ने आपराधिक कारणों और दुष्कर्म के मामले में इन्होंने आरोप लगाया। लेकिन मैं निष्कर्ष हूँ और मैं आरोपी नहीं हूँ, क्यों कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ी ये चीज़ें करी है कि मेरी आर्थिक अवस्था कमजोर होने के कारण कि मैं तो इसको पढ़ाया जाए, बैठ के बात हुई है, टोटल से जाती सारी चीज़ें जो करी थी। मैं उनने बोला कि भैया मैं आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, है ना, शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद उन लोगों ने बोला है कि मैं चलो ठीक है, उसकी एनएम की कोर्स पूरी कम्प्लीट करवाने के बाद और एनएम की कम्प्लीट करवाने के बाद इन लोगों ने ये बोला है कि अपन शादी करवा लेते हैं। तो मेरे 2 नवंबर 2019 में मेरी कोर्ट मेरी शादी हो गई, ये मेरे पास प्रूफ है। 13 तारीख को एक युवती द्वारा थाना कोतवाली में FIR की गई थी कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसमें 2 नामजद आरोपी थे। दोनों आरोपी आज आए हुए हैं, अपने साथ कुछ और भी लोगों को ले जाए, अभी वो वापस चले गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी की गई भी नहीं थी। अभी इनका मेडिकल परीक्षण करा करके और न्यायालय पेश किया जाएगा, संभवतः जहाँ से जेल जाएगी। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।